गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पता नहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है या तोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस में धार सी लगी हुई है पार्टी छोड़ने की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा शराब और भ्रष्टाचार पर सवाल करने पर केजरीवाल सरकार गिराने पर आ जाते हैं। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि बीजेपी परिवार में कोई आता है तो ठीक है, पर संभावनाओं पर बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस के जीते कितने हैं यह देखना होगा। 80% से ज्यादा बीजेपी के सदस्य जीत कर आए हैं। जिन निगमों में कांग्रेस के महापौर बने हैं वहां पर भी परिषद में बहुमत बीजेपी को ही मिला है। गोविंद सिंह के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उनका बयान मैंने देखा था, उनका बयान कमलनाथ और नकुलनाथ की ओर ले जाता है। वहीं उन्होंने अन्ना हजारे के बयान पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अन्ना हजारे जी ने 1000% की बात कह दी है। आपके जन्मदाता हजारे जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी पर सवाल खड़े होते हैं। शराब और भ्रष्टाचार पर सवाल करने पर सरकार गिराने पर आ जाते हैं केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में कोई आता है तो स्वागत है, लेकिन अटकलों पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। संभावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अन्ना हजारे जी, उन्होंने केजरीवाल जी की नीयत पे सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल जी को बेनकाब कर दिया है माननीय अन्ना हजारे जी की चिट्ठी ने। शराबबंदी को लेकर जो उन्होंने भाषण दिए थे, अगर आप वो क्लिपिंग निकाल के कोई प्रदेश के लोग सुने और फिर वर्तमान स्थिति दिल्ली की शराब की देखें, तो आपको लगेगा कि इनकी केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क था। ये लोग क्या कहते थे और क्या कर रहे हैं वर्तमान में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे। और सबसे बुरी बात क्या है, सवाल इनसे किया जाता है जब शराब के बारे में, शराब के भ्रष्टाचार के बारे में, तो ये आंकड़े देते हैं कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, हमारे विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है, हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, आप फलाने पर चर्चा क्यों नहीं करते हो। अरे भाई, आपसे जो सवाल किया जा रहा है शराब के भ्रष्टाचार का, जो सरकार को लॉस हुआ है, जो भ्रष्टाचार तरीके से आए सामने दिखाई दे रही, इस पर बोलने की जगह बाकी हर बात पे बोल के विषयांतर करते हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी, देश की जनता आपको अब अच्छी तरह समझ गई है, प्रतीक्षा करो बस अगले चुनाव की। कोचिंग सेंटर पर मारपीट मामले पर मिश्रा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। झारखंड मसले पर राहुल गांधी के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि विधायकों को पर्यटन चार्टर प्लेन से करा रहे हैं और बच्ची को चार्टर प्लेन की व्यवस्था नहीं करा पाए। बच्ची ने दम तोड़ दिया। चुनाव के समय कमलनाथ कहते थे उनका चार्टर प्लेन तैयार खड़ा है, पर आपदा के समय कमलनाथ कहीं दिखाई नहीं देते। उन्होंने मध्य क्षेत्रीय परिषद में प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि सवाल बेटियों की तरफ जाता है। MP एक ऐसा राज्य है जहां 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मध्य प्रदेश में महिला थाना है, डेस्क है, मुस्कान अभियान भी हमने चलाया है। कमलनाथ ट्वीट कर सिर्फ मध्य प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं। विधायकों को पर्यटन तो चार्टर प्लेन से करा रहे हैं, और वो बेटी जो तड़प तड़प के मर गई 5 दिन तक, जिंदा जला दिया जिसको, उसके लिए प्लेन की व्यवस्था नहीं कर पाए कि उसका अच्छा इलाज करा देते। ये इनकी संवेदनाएं हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली की। ट्वीट से काम चलाते हैं जनता के लिए, और वैसे चार्टर प्लेन चाहिए। कमलनाथ जी बोले चुनाव था तो मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है, कोई गड़बड़ी की अब पता चलेगा काउंटिंग वाले दिन नगर पालिका नगर निगम। लेकिन पूरा प्रदेश बाढ़ में डूब गया तो एक जगह हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। ये कांग्रेस की संवेदनाएं हैं, आप जरा तुलना करो। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक राज्य का एक देश का। चार्टर से विधायकों को ले जा रहे हैं लेकिन उस बेटी को नहीं ले गए। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals.
Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।